matrices, elements of matrices, rows of matrices, columns of matrices, order of matrices. Today we are going to study about the type of matrices, operation of matrices, and exercise 3.1. Okay, so now we are going to study about the type of matrices. Type of matrices. Types of matrices, matrix. कितने matrix कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स तो भाई रो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? ऐसी मैट्रिक्स ए जिसमें ए वन वन हो, ए वन टू हो, ए वन थ्री हो, डॉट डॉट डॉट, ए वन एन, ऐसी मैट्रिक्स. इसमें आपको नंबर ऑफ रोज कितनी है? एक है. नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? एन. तो ये मैट्रिक्स क्या होता है? रोज मैट्रिक्स होता है. रो मैट्रिक्स, इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, कॉलम जितना भी हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं. मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, मैट्रिक्स Having only one row is said to be row matrix. तो सर मान लीजिए B कोई matrix है 1, 5, 7, ये row matrix हो सकता है. C कोई matrix है 2, 9, 8, 4, ये इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं. इस सब में क्या है कि हमारा एक सिंगल रो है, उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है. अब दूसरा आपके पास आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स. ये कॉलम मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? इसको हम, ये किसको कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स. व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स? तो जैसे देखिएगा, एक ऐसी मैट्रिक्स ए, ए वन वन, ए टू वन, ए थ्री वन, डॉट डॉट डॉट, ए एम वन, ये सारी जो ये मैट्रिक्स है, इसको हम क्या कहते हैं? रो वन कहा जाता है. इसको कहते हैं रो टू कहते हैं, इसको कहते हैं रो थ्री कहते हैं, इसको कहते हैं रो एम कहा जाता है. और इसको क्या सिंगल कलम हो जाता है? इसको क्या कहते हैं? कलम वन कहते हैं. ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कलम मैट्रिक्स कहते हैं. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कलम हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है. मैट्रिक्स हैविंग, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स. उसको हम कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है. जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स बी ले लिया 5, 7, 2, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. एक मैट्रिक्स सी ले लिया, इसको हम 2, 4, 7, 8, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. जिसमें रो जितना भी हो उससे फर्क नहीं है, लेकिन कॉलम कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए. उसको क्या कहता है? कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है. ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स हो गया. अब आता है एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स.
एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, द मैट्रिक्स हैविंग सेम रोज एंड सेम कॉलम इज सेड टू बी एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं। सेम रो सेम कॉलम, जैसे कोई मैट्रिक्स ई है 2 5 7 2, इसमें ये आपकी 2 है, ये 1 रो है, ये सेकंड रो, ये आपका कलम 1 है, ये कलम 2 है, यहाँ पे रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई भाई, 2 × 2, तो ये एक एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 2 रो है 2 कलम है। अगर एक बी मैट्रिक्स मैं मानता हूँ, बी मैट्रिक्स इसमें 2 7 8 4 5 2 9 11 15, ये जो मैट्रिक्स आपका पास आ गया, इस मैट्रिक्स में ये आपकी रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3 हो गया, कलम 1 हो गया, कलम 2 हो गया, कलम 3 हो गया, इसकी ऑर्डर कितनी है भाई, 3 × 3। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सेम रो सेम कलम होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सेम रो सेम कलम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है, दैट इज अ एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग सेम रो सेम कॉलम, मैट्रिक्स हैविंग सेम रो सेम कॉलम इज सेड टू बी एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसको हम एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास, ठीक है। अब एक आता है, इसमें आपको एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पे 2 × 2 एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं बोलूँ 2 × 2 एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, a11 a12 a21 a22। अब इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है इसको, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जिसमें रो 1 है तो कलम भी 1 होना चाहिए, रो 2 है तो कलम भी 2 होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए मैं आपको लिखना चाहता हूं यहां पे, अगर थ्री इंटू थ्री एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ 3 × 3 एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 × 3 एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स 3 × 3, मैंने 3 रो 3 कलम का एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये 3 रो 3 कलम का एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये 3 रोज 3 कलम का एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आपको माना जाएगा, ये 3 रोज 3 कलम का एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें इस एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स होंगे हमारे, ये जो एलिमेंट्स होंगे, इस एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है, दिस इज सेड टू बी प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है, एलिमेंट जिसमें आपका सेम रो सेम कॉलम होता है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। तो एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपका सेम रो सेम कॉलम होता है, उसको हम एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम स्टडी करेंगे 3 मैट्रिक्स,
एक तो डायगोनल मैट्रिक्स स्टडी करेंगे, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टडी करेंगे, एक स्कॉलर मैट्रिक्स स्टडी करेंगे। हम स्टडी करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स, तीनों को एक ही साथ स्टडी किया जा सकता है, तीनों को एक ही साथ स्टडी किया जा सकता है। अब देखिए आप यहां डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए ए हो यहां पे जीरो, ये यहां पे बी हो यहां पे जीरो, टू इंटू टू आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं एक दूसरा मैट्रिक्स का डिस्कस करूं ए बी सी, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तीनों अलग अलग है और बाकी जो एलिमेंट्स है वो आपका जीरो हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाना चाहिए, थ्री इंटू थ्री डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। थ्री इंटू थ्री डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि भाई प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ होगा और बाकी एलिमेंट जीरो होगा, रेस्ट वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। वो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, ए बी सी के एम एन जो भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे लिख डिफरेंस ऑफ दिनों को दिखाना चाहते हैं आप, जैसे मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैं बोलूंगा सर ये वन वन होनी चाहिए, बाकी हमारे पास जीरो होना चाहिए, ये टू इंटू टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, टू इंटू टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर थ्री इंटू थ्री में करना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, आपको वन 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 जीरो 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 जीरो, इसको कहते हैं थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, टू इंटू टू यहाँ पे हो गया। अब स्केलर मैट्रिक्स में देखिएगा, यहाँ पे जब वन हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, वन हो रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे वन हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज वन, रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो, रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट जीरो है, दोनों इक्वल है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या होता है, ए बी सी हो गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें वन 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 है, इसमें वन 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 है, यही वन डिफरेंस है। स्कॉलर मैट्रिक्स में हम क्या कहेंगे, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे के हो गया, यहाँ पे के हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। अब थ्री इंटू थ्री में हम क्या लिखेंगे, थ्री इंटू थ्री स्कॉलर मैट्रिक्स में यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, रेस्ट आपका जीरो हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस, स्कॉलर मैट्रिक्स में क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या है, वन है। इन दिस केस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज अ सेम, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज सेम, तो हाउ कैन यू डिफाइन दिस मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एग्जाम्पल, how can you define the, this is the matrix x square matrix having principal diagonal element, principal diagonal element
is different, rest elements are zero. रेस्ट एलिमेंट आपका जीरो होता है. ये डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ये एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ डिफरेंट होता है लेकिन बाकी एलिमेंट हम जीरो मानते हैं. इसको किसे कह देते हैं आइडेंटिटी? इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इस मैट्रिक्स को डिफाइन किया जा सकता है एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज वन यूनिट वन ये वन है एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो. रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो. रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो. स्कलर मैट्रिक्स किसे कह देते हैं? जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम होनी चाहिए और बाकी एलिमेंट जीरो होना चाहिए. दिस इज अ स्कलर मैट्रिक्स. तो दिस कैन बी डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स having principal diagonal elements are same. Principal diagonal elements are same. Rest elements are zero. Rest elements are zero. Rest elements are zero. This is the स्कॉलर मैट्रिक्स. ये आपका स्कॉलर मैट्रिक्स होता है. तो दीज ऑल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स. दीज आर द रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. डायगोनल मैट्रिक्स आर डायगोनल एलिमेंट्स आर स्लाइटली डिफरेंस टू ईच अदर. वन इज अ जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स. व्हाट इज अ जीरो मैट्रिक्स? सपोज there is a one matrix that is a 0 0 0 0 0 0. It is not necessarily that this matrix is x square, but it is necessary that all elements are zero. All elements are zero. All elements are zero. These all elements are zero. ये सारे की सारे elements आपका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. इसको हम क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे मान लिया जाए कोई बी है जीरो 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 जीरो, इसको कहते हैं हम जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है. दिस इज द जीरो मैट्रिक्स. ठीक है, ये हमारा जीरो मैट्रिक्स हो गया. अब हम देखते हैं व्हाट इज द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल किस केस में कहेंगे? अब देखिएगा, एक मैट्रिक्स ए है, ए वन वन ए वन टू, सेकेंड ए टू वन, ए टू वन होता है, बी ए वन टू ए टू टू. यहां पे बी मैट्रिक्स है, बी वन वन बी वन टू बी टू वन बी टू टू, ये टू इंटू टू मैट्रिक्स है. ये आपको यहां पे टू इंटू टू मैट्रिक्स है, ये भी आपका टू इंटू टू मैट्रिक्स है.
इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को हम इक्वल कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकता है, जबकि हमारे पास ए वन वन बी वन वन के बराबर हो, ए वन टू बी वन टू के बराबर हो, ए टू वन बी टू वन के बराबर हो, ए टू टू बी टू टू के बराबर हो, तो दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। दीज आर सेड टू बी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स, हम इसे क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स, इसे हम क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स कहते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। दीज आर सेड टू बी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स, हम क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स कर सकते हैं, इसको हम क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स कहते हैं, इसको हम क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स कर सकते हैं। तो आपको मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में होना चाहिए। सेम ऑर्डर में मतलब का मतलब, ये अगर मान लीजिए 2x2 है तो ये भी आपको 2x2 होना चाहिए, ये भी आपको 2x2 होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम का मतलब होता है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम का मतलब होता है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम का मतलब ए वन वन से ए वन वन इक्वल होना चाहिए, ये वन टू से ये ऐसा होना चाहिए, इससे ये होना चाहिए और इससे ये होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं हम, इक्वल मैट्रिक्स कहा जा सकता है। टू मैट्रिक्सेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, दोनों ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। टू मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्सेस आर सेड टू बी इक्वल, सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ देयर क्रॉसपोंडिंग elements are same, corresponding elements are same and they are in same order, same order होगा तभी वो, ये तो compulsory है, two matrices having same order, यहाँ पे ऐसे भी है, two matrices having same order, having same orders are said to be equal if their corresponding elements are same, अगर corresponding elements same है तो उसको क्या कहते हैं हम, equal matrix कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए a equal to a वन वन a वन टू a वन थ्री a टू वन a टू टू a थ्री, ए टू थ्री, ये आपको बी मैट्रिक्स से इक्वल होगा, बी वन टू बी वन, बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री, बी टू वन बी टू टू बी टू थ्री। तो यहाँ पे इक्वल कब होगा, जबकि आपको ए वन वन दोनों का, इसमें ऑर्डर कितनी है, दो रो है तीन कलम है, इनकी ऑर्डर कितनी है, दो रो तीन कलम, तो ऑर्डर तो सेम हो गया, ऑर्डर सेम हो गया, हैविंग सेम ऑर्डर जो लिखा जाता है, हैविंग सेम ऑर्डर, हैविंग सेम ऑर्डर, वो तो सेम हो गया दोनों में। तो इक्वल कब होगा, जबकि आपको इक्वल होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, इक्वल होने के लिए ए वन वन को बी वन वन से इक्वल होना चाहिए, ए
टू को बी टू वन से इक्वल होना चाहिए, बी वन टू से इक्वल होना चाहिए, वन टू से इक्वल होना चाहिए। दूसरी, ये वन थ्री को बी वन थ्री से इक्वल होना चाहिए, ए टू वन को बी टू वन से इक्वल होना चाहिए। ए टू टू को बी टू टू से इक्वल होना चाहिए और ए टू थ्री को बी टू थ्री से इक्वल होना चाहिए। इसको क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहा जाता है, दीज आर सेड टू बी क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपको हम आपको इसकी इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सबस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सबस्ट्रक्शन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, बाई एस्कलर, मल्टीप्लीकेशन बाई एस्कलर। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? व्हाट इज द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स? तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है दो मैट्रिक्स को ऐड करना। अगर सपोज कीजिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में स्टार्ट करने जा रहा हूं, व्हाट इज द एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स? यहां पे मैंने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के बारे में तो बताया था। अगर कोई सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स ये है, टू थ्री फोर फाइव, दीज आर द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बी है, सेवन फाइव टू सेवन। अब देखिए इसकी ऑर्डर कितनी है, टू इंटू टू है, इसकी ऑर्डर टू इंटू टू है। तो सबसे पहले एडिशन के लिए, सबसे पहले एडिशन के लिए टू मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर, एडिशन के लिए टू मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर, टू मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए। टू मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर, जैसे यहां पे टू टू है तो ये भी टू टू होना चाहिए। हैविंग सेम ऑर्डर, इफ एडिशन ऑफ हैविंग सेम ऑर्डर द क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड, द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज मेड बाय एडिंग क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट एलिमेंट उसकी क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने का मतलब होता है, आप देखना है, क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने का मतलब ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ? टू को सेवन से ऐड कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट से। फोर को टू से ऐड कर दीजिए, थ्री को फाइव से ऐड कर दीजिए और फाइव को सेवन से ऐड कर दीजिए। दीज आर सेट टू बी द क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडेड। क्रोस्पॉन्डिंग का मतलब दो को दो से, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा नाइन, ये नाइन हो जाएगा, ये सिक्स हो जाएगा, ये आपको एट हो जाएगा, ये ट्वेल्व हो जाएगा। दिस इज द एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड,
इफ दे हैव सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होनी चाहिए, और क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर ऐड करते हैं तो एडिशन हो जाता है। क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इफ वी ऐड टू क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स ए है, 1, 2, 5, 3, 2, 4, बी मैट्रिक्स है 7, 5, 2, 3। सर ए प्लस बी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहां पे ऑर्डर 2 रो है, 3 कलम है, यहां पे 2 रो 2 कलम, तो भाई ऑर्डर तो सेम है ही नहीं, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर नहीं है सेम, बिकॉज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी की ऑर्डर दोनों इक्वल नहीं है, तो हम उसको नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, अगर बी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स सी ले लीजिए, एक मैट्रिक्स सी ले लीजिए, अब सी में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा है, इसको देख लीजिए। अब इसमें ऑर्डर कितना है, 2 रो 3 कलम इसमें है, ए प्लस सी इज पॉसिबल, ए प्लस सी इज पॉसिबल सिंस दे हैव सेम ऑर्डर। इसमें भी 2/3 है, इसमें भी 2/3 है, तो ऑर्डर सेम है, तो उसको ऐड किया जा सकता है। अब ऐड कैसे कर सकते हैं, तो ए प्लस सी को हम क्या करेंगे, 1 + 1 = 2, 5 + 3 = 4 + 3 = 2 + 5 = 4 + 6 ऐसे ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 10। इसको कहते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब देखिए, अब इसी में मैं आपको बताता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन में क्या करनी है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स इसमें होता है मैट्रिक्स सेम एडिशन के जैसा होता है, इसमें जो प्लस जो साइन होता है उसको माइनस हम साइन कर देते हैं, सिर्फ इतना का डिफरेंस कर देते हैं, बाकी सब वही है। मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर, उसको आपको सेम ऑर्डर में होना चाहिए, प्लस इज रिप्लेस्ड बाय माइनस इन क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब जैसे मान लिया जाए मैंने ए मैट्रिक्स का 2, 5, 8, 4, बी मैट्रिक्स का 7, 7, 3, 9, 6 ऐसे दो मैट्रिक्स, तो सर हमने आपकी ऑर्डर चेक करनी है, तो इनकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2 × 2, इनकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2 × 2, तो भाई दोनों में सेम ऑर्डर है, एक्स स्क्वायर होना जरूरी नहीं है लेकिन ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अब सर आप इनकी ऑर्डर आपने चेक कर लिया,
तो ए प्लस ए बी किया तो हमने क्या लिखा, 2 प्लस 7, 5 प्लस 3, 8 प्लस 9, 4 प्लस 6, ये आपका हो गया कितना, 9, 17, 8, 10, ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूं कि ए माइनस बी हमारे पास क्या है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में हम क्या करेंगे, जहां पे प्लस लिखा है वहां पे माइनस कर देंगे, जहां पे प्लस लिखा है वहां पे माइनस कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 माइनस 7, 8 माइनस 9, 5 माइनस 3, 4 माइनस 6, ये हो जाएगा हमारे पास -5, ये हो जाएगा 2, ये -1, -2, ये आपका मैट्रिक्स हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है बेटा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी का मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ये हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन बाई एस्क्वायर होता है, एक और मल्टीप्लीकेशन बाई एस्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन बाई ये क्या होता है कि किसी एक कांस्टेंट से मैट्रिक्स की हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने लिखा हुआ है पे ए बी सी डी, अब देयर इज अ वन कांस्टेंट, कांस्टेंट कि अगर कोई कांस्टेंट की है, अगर कोई कांस्टेंट की है तो हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं के ए करना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे भाई, यहां पे के ये मैट्रिक्स होगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाई बाय द सेम कांस्टेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई द सेम कॉन्स्टेंट, यू विल हैव टू राइट के ए के बी के सी के डी, यू विल हैव टू मल्टीप्लाइड बाई द सेम एलिमेंट। तो स्कॉलर बाय मल्टीप्लीकेशन, इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई, इफ यू हैव टू राइट एंड मल्टीप्लाइड बाई द सेम, अगर सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स आपका यहां पे, अगर सपोज कीजिए मैं कलर चेंज करता हूं, सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स आपका यहाँ पे है 2 4 7 3 1 5, आपके पास है मैट्रिक्स, आप यहाँ पे 5B लिखना चाहते हैं, सर आप यहाँ पे 5B लिखना चाहते हैं, तो 5B का मतलब क्या होता है, 5 ये हो गया 2 4 7 3 1 5, यू विल हैव टू राइट हियर 10 5 2 5 4 5 7, 5 3 5 into 1 5 into 5, अल्टीमेट रिजल्ट इसका यहां पे आ जाएगा, यहां पे मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दिस विल बी द मैट्रिक्स, दिस इज सेड टू बी द एस्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन बाय एस्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन बाय एस्क्वायर। ठीक है, अब होता है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, किस कैसे फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, अब ये बहुत सिंपल तरीका से मैं बताना चाह रहा हूं,
रो इनकी इंफॉर्मेशन दिया रहता है, एलिमेंट को इंफॉर्मेशन दी रहती है कैसे एलिमेंट्स बनानी है, उसके बेस पे आपको मैट्रिक्स को फॉर्मेट करनी है, बनाना है। रोज एंड कलम, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस आर गिवन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन। रिलेशन बिटवीन रोज एंड कॉलम आर गिवन, उसके बेसिस पे मैट्रिक्स बनानी। जैसे क्वेश्चन बोलेगा, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, फाइंड 2x3 मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। जस्ट एक सिंपल सा ए आई जे मीन्स आई प्लस जे। ए आई जे का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग आईथ रो एंड जेथ कॉलम। अगर ए टू थ्री का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो उसमें रिलेशन क्या होगा, ए टू थ्री का मतलब क्या होता है, टू प्लस थ्री। तो सबसे पहले ऐसी एलिमेंट्स, ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें दो और तीन कॉलम है, दो रो है तीन कॉलम है, अब उसकी रिलेशन ऐसा है। अब आपको यहाँ पे कैसे देखेंगे, टू इंटू थ्री मैट्रिक्स, तो हमारे पास कैसे होना चाहिए, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, ये टू इंटू थ्री मैट्रिक्स। एज पर इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, वन प्लस वन, वन प्लस टू, वन प्लस थ्री, टू प्लस वन, टू प्लस टू, टू प्लस थ्री, 2 प्लस 3। अब इसमें कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये आपका मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक पूछता है कि कितने ऑर्डर बन सकता है, कितने आपकी पॉसिबल ऑर्डर है अगर इतना एलिमेंट्स है, तो एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन होता है पॉसिबल ऑर्डर्स इन पॉसिबल ऑर्डर बाय गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका 4 है, जैसे 4 से कितने आपको, 4 से कितना आप मैट्रिक्स बना सकते हो, जैसे ए बी सी डी से कितने मैट्रिक्स बना सकते हो, तो हम कितने बना सकते हैं, ए बी सी डी एक मैट्रिक्स ये हो गया। हम इसको उल्टा भी, इसको क्या कह सकते हैं, वन रो है चार कलम है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ए बी सी डी इसमें चार रो एक कॉलम, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ए बी सी डी ऐसे भी बना सकते हैं,
ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकता है। तो हमारे पास अगर 1 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है। तो फैक्टर ऑफ 4 क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2। ऐसा तो इसको क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। तो 1 × 4 बन सकता है, 4 × 1 बन सकता है, 2 × 2 बन सकता है, बस इतने ऑर्डर बन सकता है। ठीक है, जितनी फैक्टर होगा उसके अनुसार, जैसे मान लिया जाए आपके पास 5 एलिमेंट्स है, तो 5 को किससे डिवाइड किया जा सकता है? किससे नहीं, तो 1 से डिवाइड किया जा सकता है इसको। तो 5 × 1 बन सकता है, 1 × 5 बन सकता है। जैसे 24 एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स है, तो इससे कितना बन सकता है? तो 24 को आप डिवाइड करते चले जाइए, 12 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ऐसे। तो एक तो हम 24 को 1 24 रोज 24 कलम हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा 1 × 24। एक दूसरा बन जाएगा 2 × 12 और 12 × 2। एक तीसरा बन जाएगा 3 × 8, 8 × 3। एक और बन जाएगा 4 × 6, 6 × 4। अब नहीं बनेगा, इतनी पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाते हैं, है ना। जैसे 13 है तो 13 में 2 ही केसेस बन जाएगा, 13 × 1, 1 × 2। ठीक है, तो वो कितनी पार्ट से फ्रैक्शन है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ मैट्रिक्स का कंप्लीट हो गया है 2 क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे क्या कराऊंगा, इसकी एक्सरसाइज की सारी क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, थैंक यू क्वेश्चन, थैंक यू क्लास।